Hello students, welcome to Snitcher. In last lecture, we have discussed the exercise 7.1 question number 1 to 4. Basic question थे कि कैसे distance formula we will use. कैसे distance formula use करेंगे किसी भी two point के बीच में distance find करने में. वो question हमें solve कर लिए 1 to 4. Now let's next question solve करते हैं same exercise 7.1 का next question is question number 5. बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको एक चीजें पता होनी चाहिए, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज क्वेश्चन गिवन इज इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी. यहाँ पे एक क्लासरूम है, मीन्स इस क्लासरूम को जो पूरा एक क्लासरूम था, यहाँ पे ईच पोजिशन पे जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ईच पॉइंट पे कोई कोई स्टूडेंट सीट डाउन किया होगा, बैठा होगा. देन एंड उसको हमने क्या कर दिया, जो बेंचेस थी ना हमारी, उसको हमने रो एंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट उसको अरेंज कर दिया इस तरह से. ऑलरेडी आपको ग्राफ में इस तरह से गिवन है, रो एंड कॉलम में. एस शोन इन 7.8. फर्स्ट तो यहाँ पे चारों फ्रेंड गिवन है, ये बोला है कि चारों फ्रेंड है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं कि चारों फ्रेंड ऐसे दूर दूर बैठे, सब साथ में बैठेंगे, बट जस्ट गिवन है. ओके, चंपा एंड चमेली वॉक्स इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ए बी सी डी मूवी के बारे में नहीं बोला है, एनीबडी कैन डांस. यहाँ पे जो फोर स्टूडेंट्स, जो फोर फ्रेंड्स बैठे, उसको नेम सजेस्ट किया है ए बी सी एंड डी. चंपा चमेली से कह रही है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो चारों बैठे हो एक स्क्वायर बना रहे हैं, इनकी अगर मैं हम कनेक्ट कर दें तो एक चारों स्क्वायर के पोजिशन में बैठे, ऐसा चंपा चमेली को कह रही है. तो चमेली डिसअग्री होती है, वो कहते हैं ना जा बे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम ऐसा देख के बता दिए कि स्क्वायर में बैठे, तो वो डिसअग्री होती है कि ऐसा नहीं है. तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि चंपा सही है या चमेली सही है. नाम भी बहुत बढ़िया गिवन है. देन सो इसको बेसिकली हमें क्या करना है, ए बी सी डी फोर पॉइंट गिवन, यहाँ पे गिवन है ना, ए पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो फाइंड करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. फोर पॉइंट गिवन है, हमें पूछा है कि ये जो फोर पॉइंट है स्क्वायर बना रहे हैं, उसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं. तो स्क्वायर के लिए फर्स्ट मैं यहाँ पे फोर पॉइंट्स के पोजिशन फाइंड कर लूँ, कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे जो एक्सिस है दैट इज एक्स एक्सिस, देन इट इज एक्स एक्सिस, एंड यहाँ पे जो वर्टिकल है दैट इज वाई एक्स. देन सो हियर ए के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स इज 3 एंड वाई इज यहाँ पे 4. वाई यहाँ पे क्या है 4, सो ए के कोऑर्डिनेट आ गए 3, 4. बी जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो रही है 6 एंड वाई की वैल्यू है 7, तो बी के कोऑर्डिनेट मिल के 6, 7. सी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर, सी के एक्स कोऑर्डिनेट इज 9 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज हियर, सी का वाई कोऑर्डिनेट है 4, 9, 4. डन. देन डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर एक्स कोऑर्डिनेट इज 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 1, सो इट इज 6, 1. सो ये चारों पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए. डन. अब हमें उसको क्या फाइंड करना है कि चारों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या वो स्क्वायर बना रहे. इस तरह से अगर मैं ज्वाइन कर दूं ए बी बी सी डी सी एंड एस ए डी को, तो अभी आपको देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि ये स्क्वायर है, बट ऐसा जरूरी थोड़ी ना होगा कि ये स्क्वायर ही बन रहा होगा. हमें हम स्क्वायर कब कहेंगे कि जब ये चारों साइड इक्वल हो. बट डन. सो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, मीन्स ये चारों साइड, फोर साइड हमें फाइंड करनी है. अगर वो फोर साइड इक्वल आए तो हम इसे कह देंगे स्क्वायर. नो, बट जस्ट वेट. Yes, अगर फोर साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड इक्वल हो तो उसको स्क्वायर एंड रोम्बस भी कहते हैं. अगर आपको याद हो नाइन्थ स्टैंडर्ड, तो वहां पे आपका रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल था, उसमें भी चारों साइड इक्वल थी. तो स्क्वायर एंड रोम्बस में डिफरेंस क्या होगा, चारों साइड अगर इक्वल है तो उसके टू वे है, उसमें टू पार्ट पड़ते हैं, रोम्बस ए स्क्वायर. बट हमें तो स्क्वायर चेक करना है, तो स्क्वायर में डायगोनल भी इक्वल होते, तो ए सी एंड बी डी भी होना चाहिए इक्वल, तो ये हो जाएगा स्क्वायर. एंड अगर डायगोनल इक्वल नहीं होगा देन इट विल बी रोम्बस. तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है, डी सी और सी डी फाइंड करना है,
देन एडी फाइंड करना है, डन। ये चारों साइड फाइंड करनी है, चेक करना है चारों साइड इक्वल है, इफ इक्वल देन वी विल फाइंड डायगोनल बी बी डी एंड बी ए सी, ये दोनों डायगोनल फाइंड करेंगे, डन। अगर ये दोनों भी इक्वल हो गए तो हम कह देंगे कि यस कौन राइट है, चंपा राइट है, एंड अगर इक्वल नहीं हो गए, इस सब इक्वल नहीं हो गए तो चमेली राइट होगी कि वो डिसएग्री हुई थी, स्क्वायर नहीं है सर, देन। सो हमें बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फर्स्ट फाइंड करते हैं, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबको समझ में आ गया बेसिकली क्या करना क्या, तो फर्स्ट डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फोर फोर ए बी फोर ए बी, देन। तो ए बी में एक्स वन एंड वाई वन देख लेते हैं, सो ए बी यहाँ पे है, उसमें एक्स वन वाई वन होगा थ्री एंड फोर, सो हियर एक्स वन इज थ्री एंड वाई वन इज फोर, देन एक्स बी के लिए एक्स टू एंड वाई टू होगा, बी पॉइंट के लिए एक्स टू सिक्स वाई टू सेवन, सो एक्स टू इज सिक्स एंड वाई टू इज सेवन, देन। सो फोर पॉइंट्स मिल गए, फोर कोऑर्डिनेट्स मिल गए, नाउ जस्ट पुट द डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन the whole square plus y2 minus y1 the whole square, सबको साथ में करना है, मुझे आंसर चाहिए अभी फास्ट में, कौन कौन आंसर दे रहा है मुझे स्टूडेंट्स, x2 minus x1 that is 6 minus 3 the whole square plus y2 minus y1 that is 7 minus 4 the whole square, done। so 6 minus 3 6 minus 3 will be 3 3 is 9 plus 9 9 plus 9 means 2 times 9, 2 times 9 means 2 into 9, done, 2 into 9, so 9 ka square hota, square root hoga 3 and it is 3 root 2, root 2 to rahega nahi, sirf 9 ka square root hoga, so hame AB distance mila 3 root 2, okay, AB distance jo point A and B ke beech ka distance tha, this side mil gayi 3 root 2, now let's find the BC, so BC find karte hain, so here 4 BC, BC के लिए x1 एंड y1 क्या हो गए, सो पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट हो गए, फर्स्ट पॉइंट A है BC में, सो x1 इज 6 y1 इज 7, सो यहां पे आ गया x1 इज इक्वल्स टू 6 y1 इज इक्वल्स टू 7, डन। देन C के कोऑर्डिनेट हो गए x2 एंड y2, C के कोऑर्डिनेट है 9, 4, सो x2 इज 9 एंड y2 इज 4, y2 इज 4, डन। नाउ अब देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, BC इज इक्वल टू क्या होगा, लेट्स सी, BC इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस y2 माइनस y1, डन। ये आपको सारे डिस्टेंस के लिए आइडेंटिफाई डिफाइन करना पड़ेगा कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। यहाँ पे देखो जो x2 b के जो कोऑर्डिनेट ab में x2 y2 थे, bc में आ गए x1 y1, डन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमें x1 minus x2 पर x2 minus x1 both will be give the same result, done। तो x2 minus x1, x2 is 9 minus x1 is 6 the whole square plus y2 is 4 minus 7 y1 is 7 the whole square, 4 minus 7 9 minus 6, then 9 minus 6 3 square, 4 minus 7 minus 3 square, so it is again 9 plus 9 3 square 9 and minus 3 square b 9, so it is 2 times 9, 2 into 9, so 2 into 9, 9 ka square root ho gaya 3 root 2, so bc hame second side ki is quadrilateral ki bc wo bhi mili 3 root 2, done। let's find the third side, bc find karte aur cd, dc ya cd, generally hum cd isko sequence mein lete hain, so third is cd, done। so let's find the cd, 4 CD, तो ये वो जो स्टेप आते हैं स्टेयरकेस, वो CD नहीं है, या DVD वाली CD नहीं है, DVD CD वाली हमें साइड फाइंड करनी है, डन। सो हियर C के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट आर x1 एंड y1, सो x1 9 y1 4, सो हियर x1 इज इक्वल्स टू 9 एंड y1 इज इक्वल्स टू 4, डन। देन x2 y2 वो हो गए D के कोऑर्डिनेट, x2 इज 6 y2 इज 1, x2 इज 6 एंड y2 क्या था, जस्ट अगेन चेक कर लेते, y2 इज 1, डन, y2 इज 1। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, cd इज इक्वल्स टू, cd इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर
x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, what is x2? Yahan se direct 6 minus 9, x2 6 minus x1 9 the whole square plus y2 minus y1, y2 is 1 minus y1 4 the whole square. Square root कर लो, तो square root में आ गया 6 minus 9 minus 3 the whole square plus 1 minus 4 minus 3. Mine 1 minus 4 will be minus 3 the whole square. Minus 3 का square minus 9 है ना? No. Negative का square always positive होता है. Minus into minus plus होता है. So minus 3 square plus 9 plus 9. Again it is 2 times 9. 2 apple, 1 apple plus 1 apple. 2 apple होते हैं. 1 9 plus 1 9. 2 9 हो गए. So 2 into 9. So 2 into 9. 9 का square root 3. And under root 2 तो रहेगा ही ना? 2 का square root नहीं निकल सकता. 9 का square root सिर्फ निकल सकता है. Done. So it is 3 root 2. तो ये आ गया 3 root 2. Then so CD भी हमें मिला 3 root 2. Okay. Let's find the next कौन सा distance side find करने? AD. Third side is AD. AD find कर लेते हैं. So now for AD. यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा star बनाया है 2 times. Just remove it. So for थर्ड साइड, फोर्थ साइड, इट इज फोर्थ साइड, ए डी और डी ए भी कह सकते हैं. अगर आपको फाइंड करना है तो आप डी ए फाइंड करो. फ्रेंड्स मुझे किसी का आंसर नहीं आ रहा यार, सो गिव मी द आंसर, जस्ट ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. फास्ट में मुझे आंसर दो सब कि ए डी क्या आएगा. सो ए डी इज इक्वल्स टू, मेरे से पहले सॉल्व होना चाहिए सबका. सो ए डी में जो फर्स्ट होगा ए का कोऑर्डिनेट, दैट इज 3 कॉमा 4. यहाँ पे मैंने ए डी लिया. सो एक्स वन इज 3, वाई वन इज 4. एक्स वन इज 3 एंड y1 इज 4. देन इन x2 एंड y2 क्या हो गए? d के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट d के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 6 एंड 1. सो x2 6, y2 1. x2 इज इक्वल्स टू 6 एंड y2 इज इक्वल्स टू 1. देन फाइंड ad. डिस्टेंस ad मींस वही हमें साइड देगी. साइड मींस उस a एंड d का लेंथ, जो लेंथ है कि उसको हम साइड बोलेंगे. So AD that will be x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Distance formula है ना हमारा, अब तो आपको याद भी रह गया. x2 minus x1 6 minus 3 the whole square plus y2 minus y1 1 minus 4 the whole square. Done. Yes, answer तो आया. दूसरे आदर दूसरे का. Yes, Tejas, very good. 3 root 3 to 3 root 2 answer आ रहा है तुम्हारा. Very good. करते रहो everyone. Join the session. Join the session. IPL start होता है, आप भी start हो जाओ question solve करने में. 6 minus 3, 3 का square. 1 minus 4, minus 3 square. Done. So under root 9 plus 9. Under root 9 plus 9, under root 2 times 9. 9 plus 9, 2 times 9. इसको हम 18 क्यों नहीं लिख रहे? किसी को भी यहाँ पे doubt होगा. Yes. इसको सर आप 18 नहीं लिख रहे, इसको 2 times 9 क्यों कर रहे हो? अरे 18 को अगर मुझे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है, मींस इसको अगर मैं ऐसे नंबर में कन्वर्ट करूं कि जिसका मैं स्क्वायर रूट निकाल सकूं, तो वहां पे मैं 2 9 जा 18 ही करूंगा. इसको मैं 6 3 जा 18 नहीं करूंगा, क्योंकि 6 एंड 3 दोनों में से किसी का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है. मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं ऐसे नंबर में इसको ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करूं जिसको मैं जिसमें से मैं किसी का एक का स्क्वायर रूट निकाल सकूं. तो 2 9 जा 18, तो 9 का स्क्वायर रूट वही आया ना 2 9 जा 18, तो बोथ वे में सेम ही होगा. डन. सो ऐसे हम नहीं करते, कोई भी जो अप्रोच करते ऐसे नहीं लेते. कुछ हमारा लॉजिक होता है, कुछ हमारा कंसेप्ट होता है कि हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए उसके बेस पे हम कर लेते हैं. 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 रूट 2. तो यस तेजस, योर आंसर वाज राइट. AD इज इक्वल्स टू आ गया 3 रूट 2. डन. यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ कि किसी को अगर कंफ्यूजन ना हो. नहीं, जस्ट इरेज कर देता हूँ. तो यहाँ पे आ गया 3 रूट 2. अब यहाँ पे देखो चारों साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी चारों साइड इक्वल मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या स्क्वायर बनाते हैं सर? नो. अभी तो डायगोनल चेक करना पड़ेगा ना. चारों साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होती है भाई. इसको स्क्वायर थोड़ी ना बोल रहे, रोम्बस हड़ताल पे उतर जाएगा, स्ट्राइक कर देगा कि मुझे क्यों नहीं कहा इसको. देन सो हमें नाउ लेट्स फाइंड द डायगोनल. तो फर्स्ट डायगोनल है ए सी, इसको ही डायगोनल बोलते हैं ना, ए सी. तो ए सी फाइंड कर लेते हैं. So let's find the diagonal AC. AC is equals to 4 AC लिखना है यहाँ पे. मैंने सिर्फ AC लिख दिया, गर्मी हो रही है ना बहुत. 4 AC, 4
डिस्टेंस ए सी मीन्स हमें डायगोनल की लेंथ ए सी फाइंड करनी है, तो उसमें एक्स वन वाई वन हो गए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, डेटा थ्री एंड फोर, सो एक्स वन इज इक्वल टू थ्री एंड वाई वन इज इक्वल टू फोर, एंड सी के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स टू एंड वाई टू, एक्स टू इज इक्वल टू एंड वाई टू इज इक्वल टू सी के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे फिर नाइन एंड फोर, यहाँ से भी देख लो सी के कोऑर्डिनेट नाइन एंड फोर, सो एक्स टू नाइन वाई टू फोर, x2 is equals to 9, y2 is equals to 4. Find the AC. AC find कर लो distance formula से under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Yes, answer आया तो सही. मैं wait कर ही रहा था कि कोई एक students answer दे. Yes, Tejas again your answer under root 36. Let's find करते हैं. मुझे भी है answer याद नहीं है और किसी का भी answer आ रहा है. Yes, Janil, your answer is 6. Okay, under root 36 क्या होगा? 6 ही होगा. Just check करते. 9 minus 3, x2 minus x1, 9 minus 3, the whole square plus y2 minus y1, 4 minus 4, the whole square. तो आसानी हो गया, 0 हो गया. Under root 9 minus 3 होगा 6 का square. यह आ गया 0, 6 square. तो यहाँ पे आ गया 6 square, 6 square. Square root and square cancel. तो आ गया 6. AC is equals to 6. मैं इसको 36 नहीं बनाया. 36 करके फिर अगेन 6 करना है, तो यहाँ पे यहाँ से स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल कर लिए, तो AC इज इक्वल टू मिल गया 6. तुम्हारा फर्स्ट डायगोनल मिला 6. लेट्स चेक करते हैं सेकंड डायगोनल. सेकंड डायगोनल क्या होगा? सेकंड डायगोनल इज यस तेजस एंड जेनिल, दोनों के आंसर सही थे. तेजस ने अंडर 36 लिखा था, दैट इज 6, नथिंग एल्स. ओके, सेकंड डायगोनल इज BD. BD की डायगोनल है, इसमें x1 x2 x1 y1 हो गए b के कोऑर्डिनेट, डेटा 6 कोमा 7, सो 4 BD देयर इज x1 इज इक्वल्स टू 6 है, y1 इज इक्वल्स टू 7 है, देन x2 एंड y2 क्या हो गए? d के कोऑर्डिनेट, सो पॉइंट d के कोऑर्डिनेट है 6 कोमा 1, सो x2 इज 6 एंड y2 इज 1, 6 एंड 1, देन लेट्स फाइंड द BD. BD क्या होगा? x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Yes, answer आ रहा है. Just x2 minus x1 क्या होगा? 6 minus 6 the whole square plus y2 minus y1 1 minus 7 the whole square. तो यहाँ पे हो गया 6 minus 6 0 का square, 0 होता है 1 minus 7 minus 6 होता है, that is minus 6 square. तो minus 6 का square क्या होगा? माइनस सिक्स का स्क्वायर होता है 36, है ना? यहाँ से मैंने स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल नहीं किए, क्यों नहीं? क्योंकि माइनस सिक्स का स्क्वायर होगा 36, तो 36 होता है क्या? होता है 6 होता है, है ना? 6 का स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ. यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट है बट मैं एक्सप्लेन नहीं करता इसको. कभी ऐसा टाइम मिलेगा तो मैं कुछ कुछ जब हम मैथमेटिक्स के कुछ जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है, स्मॉल कंसेप्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे, बट अभी इसको डिस्कस नहीं करना है, टाइम हो जाएगा उसमें वेस्ट. सो अंडर रूट 36 होगा 6. BD इज इक्वल्स टू आ गया 6. यस, यहां पे डायगोनल भी सेम मिल रहे. ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए कि डायगोनल की लेंथ साइड की लेंथ से मैच होनी चाहिए. डायगोनल इक्वल होने चाहिए दोनों, एंड चारों के चारों साइड इक्वल होनी चाहिए. तो यस इट इज एंड स्क्वायर, यहां पे डायगोनल भी सेम मिल रहा है, एंड यस तेजस का आंसर 6 आया था, क्रिस का आंसर भी अंडर रूट 36 दैट इज 6. ओके, वेरी गुड, कीप इट अप. सो यहाँ पे मैं पता चल गया, क्या पता चला? कि किचन में कौन था, यही पता चला ना? नो, यहाँ पे हमें पता चला कि चारों साइड इसकी इक्वल है एंड दोनों डायगोनल भी इक्वल है, तो कौन राइट हुई? चंपा वॉज राइट, चमेलिया डी सबने किया था, तो वो हो गई रॉन्ग, डन. सो यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे. सो हियर क्या लिखेंगे? हियर AB, all sides of all sides of quadrilateral, quadrilateral ABCD are equal. That is, कौन कौन से साइड है? AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. Then चारों साइड equal है, and both diagonals are equal and both diagonals also equal. Diagonal को थे, that is
AC is equals to BD, है ना, यहाँ पे AC diagonal था, BD diagonal था, ये दोनों भी equal आ गए, hence given it is a square. और हम यहाँ इसको बोल सकते हैं कि hence given quadrilateral is a square, hence it is a square. So Champa was right. So Champa was right. Everyone clear? किसी को यहाँ पे कोई doubt है students? सबको समझ में आया क्या करना है? So let's next question पे जाते हैं. Question number next is question number 6. Name the types of quadrilateral form, if any, by the following points and give reason for your answer. Means यहाँ पे 4 point given है, हमें कौन सा इससे quadrilateral बन रहा है? तो हमारे पास basically 4 quadrilateral होते हैं इस chapter में जो आते हैं जिस question में. 4 quadrilateral आते हैं, उनमें से कौन सा quadrilateral ये बना रहे 4 points arrange होके. तो इस टाइप के हमें total 3 question given है, तीनों question में 4 points given है. हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में चेक किया कि वो स्क्वायर था, ऐसे यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स गिवन है, हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेटर बनता है. बट उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा कि कोऑर्डिनेटर कौन सा होगा, वो कैसे पता चलेगा. इक्वल साइड होगी, इक्वल डायगोनल होगी, तो कौन सा कोऑर्डिनेटर बनेगा वो जस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो जस्ट देख लेते हैं कि कैसे इसको जस्ट अच्छे से समझना. मैं बहुत ही डिटेल में बहुत स्लो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्या कैसे फाइंड करें कि कौन सा कोऑर्डिनेटर यहाँ पे हमें मिलेगा. तो फर्स्ट तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हो गए, मीन्स यहाँ पे सपोज कोऑर्डिनेटर हो गए, कोऑर्डिनेटर के टाइप्स डिस्कस कर लें. डन. अब यहाँ पे बेसिकली पहले तो टू पार्ट्स पढ़ते, बेसिकली फर्स्ट टू पॉइंट्स बनाते हैं. यहाँ पे हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, फोर साइड होती है एंड उसके डायगोनल भी होते हैं. डन. यहाँ पे मैं टू पार्ट्स कर दिए इसके. तो अगर ऑल साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल, चारों साइड्स इक्वल मिले. डन. एंड अगर अपोजिट साइड, टू अपोजिट साइड इक्वल, टू अपोजिट साइड इक्वल, तो अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड इक्वल होती है तो वहां पे हमें टू पार्ट्स मिलते हैं, टू वे है इसमें. फर्स्ट वन यहाँ पे होगा कौन सा, हमने अभी भी डिस्कस किया ना, जब चारों साइड इक्वल मिले किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो एक होता है स्क्वेयर हो सकता है, टू पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट इज स्क्वेयर एंड सेकेंड इज रोहम्बस, सेकेंड इज रोहम्बस, ये दोनों पॉसिबिलिटी है. जब ऑल साइड्स मीन फोर साइड्स इक्वल मिले, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. डन. एंड अगर टू अपोजिट साइड्स इक्वल होगी तो उसमें भी टू पॉसिबिलिटी होगी. टू अपोजिट साइड्स इक्वल किस में होते हैं, वन इज इज दैट रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, एंड सेकेंड होते हैं पैरेललोग्राम, सेकेंड होते हैं पैरेललोग्राम में, है ना. अब स्क्वेयर कब कहे, रोम्बस कब कहे. अब अगर डायगोनल इक्वल, अब यहाँ पे आया ऑल साइड्स आर इक्वल, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले लिख दिया, बट इस स्क्वेयर कब होगा, जब टू डायगोनल्स इक्वल हो गए. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दू, जस्ट वेट, यहाँ पे डिफाइन नहीं कर देते, यहाँ पे टू पार्ट्स थोड़ा सा इसको चेंज कर दे. अब यहाँ पे डिटेल में जाते हैं, सपोज यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल, अब अगर यहाँ पे टू पार्ट्स करते, टू डायगोनल्स आर इक्वल, टू डायगोनल इक्वल, दोनों डायगोनल अगर इक्वल है एंड अगर टू डायगोनल नॉट इक्वल, टू डायगोनल्स नॉट इक्वल, वैसे ही था बट थोड़ा मैंने ऑर्डर में अरेंज कर दिया. डन. तो यहाँ पे अगर ऑल साइड्स इक्वल हो एंड टू डायगोनल भी इक्वल हो, दोनों डायगोनल भी इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द स्क्वायर, इट इज कॉल्ड द स्क्वायर. एंड अगर ऑल साइड्स इक्वल हो बट टू डायगोनल इक्वल नहीं हो, उसे हम कहेंगे रोहम्बस, इट इज कॉल्ड द रोहम्बस. डन. तो सेम वे में यहाँ पे भी होगा, सेम वे में यहाँ पे भी होगा, क्या होगा, टू अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, देन उसमें टू पार्ट्स पड़ते हैं, वन इज रेक्टेंगल एंड वन इज पैरेललोग्राम. बट यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो इफ
two diagonals are equal and two diagonals are not equal. If two diagonal equal, dono diagonal equal mile, and if two diagonals not equal, two diagonal not equal, then so agar two opposite side equal ho, two opposite side equal mile and uske dono diagonal bhi equal mile, so that is called the rectangle. That is called the rectangle. And agar two opposite side equal ho and uska diagonal equal nahi ho, not equal ho, so that is called the parallelogram. Parallelogram. तो यहाँ पे अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं तो यह आ गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, इसका रोम्बस होता है इस तरह से, थोड़ा टिल्टेड होता है, इसमें सब साइड इक्वल होती है, ए ए ए, जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते, यहाँ पे आपको देख के पता चला ये थोड़ा शॉर्ट है थोड़ा लॉन्ग है, यहाँ पे भी सब साइड इक्वल होती है. देन रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल, मीन्स अगर ये बी तो ये बी, यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल, एंड इसके डायगोनल भी इक्वल हो गए, लाइक स्क्वायर, सिमिलर टू स्क्वायर, दिख रहे हैं दोनों डायगोनल इक्वल है. पैरेललोग्राम रोम्बस के जैसा ही होगा, बट इसमें सिर्फ अपोजिट साइड ही इक्वल हो, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टर बनाता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये हो गए अपोजिट साइड इक्वल, इसको मैं कह दू अपोजिट साइड इक्वल बना दे यहाँ पे, एंड यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं हो, इसको कह दू बी, एंड हियर इज बी, ये आ गई ए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, अगर आपको कोई भी फोर पॉइंट्स गिवन हो तो फोर पॉइंट से कोऑर्डिनेटर बनता है, तो कौन सा कोऑर्डिनेटर होगा वो कैसे चेक करेंगे, अच्छे से समझना. फर्स्ट हम चारों साइड फाइंड कर लेंगे, मीन्स चारों साइड की लेंथ, जैसे भी स्क्वायर में फाइंड किए चारों के चारों की लेंथ फाइंड कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या फोर साइड्स इक्वल मिल रही, इफ फोर साइड्स इक्वल मिल रही देन वी विल फाइंड द डायगोनल, फिर उसमें चेक करेंगे क्या दोनों डायगोनल इक्वल मिले तो स्क्वायर कह देंगे, अगर दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है तो उसको हम रोम्बस बोलते हैं. देन अगर चारों साइड इक्वल नहीं है, ओनली टू साइड्स इक्वल मिल रही है, मीन्स टू टू साइड्स इक्वल मिल रही है, कोई भी दो साइड इक्वल मिल रही है, तो वहां पे टू पार्ट्स पड़ते हैं, या तो रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम. फिर हम डायगोनल चेक करेंगे, अगर दोनों डायगोनल उसमें इक्वल मिले तो उसको कह देंगे रेक्टेंगल, एंड अगर डायगोनल इक्वल नहीं मिले उसको कह देंगे पैरेललोग्राम. यहाँ तक क्लियर कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, अभी क्वेश्चन देखते हैं आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा. आई थिंक अब आपको समझ में आ गया हमें करना क्या है, चारों साइड फाइंड करने है, डायगोनल फाइंड करने है, चेक करना है चारों साइड इक्वल है डायगोनल इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से कह देंगे कि रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है. डन. सो लेट्स सोल्व द क्वेश्चन नंबर सिक्स सोल्व करते हैं. ओके, जस्ट मैं क्वेश्चन पूछ लू कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट है. So let's start to solve the question number 6. Name the types of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer. So हमें type find करना है कौन सा quadrilateral form हो रहा है. तो यहाँ पे four point given. तो four point के first तो मैं name दे देता. First point is A, it is -1, -2. Then second point is B, 1, 0. Then third point is C, -1, 2. Then fourth point is D, -3, 0. Then ये चारों पॉइंट है. हम क्या करेंगे, कौन सा कोऑर्डिनेटर है कैसे फाइंड करेंगे. फर्स्ट वी विल फाइंड द फोर साइड्स, ऑल फोर साइड्स. तो फर्स्ट फाइंड करते हैं ए बी. इस चार पॉइंट से कौन कौन सी फोर साइड बनेगी, ए बी, बी सी, सी डी एंड लास्ट में ए डी, है ना. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना एक बार. सो हियर इज फोर ए बी, फोर देखते ए बी. तो फॉर ए बी में अब मैं अगर डायरेक्ट सोल्व करूँ तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करूँ हर बार लिखने की नीड नहीं है. तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1. तो ये होगा x2, यहाँ पे होगा x1. सो 1 - -1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1. ये होगा y2, हियर इज y1. तो y2 0 - y1 - -2. तो होल स्क्वायर. डन. यही था ना हमारा x1 y1 ये था, x2 y2 ये था. तो x2 में से x1 सबट्रैक्ट, y2 में से y1 सबट्रैक्ट. डन. ओके. तो यहां पे हो गया अंडर रूट 1 - -+1 द होल स्क्वायर प्लस 0 - -0 + 2 द होल स्क्वायर. डन. तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4
प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो अंडर रूट 4 प्लस 4 2 टाइम्स 4, सो 2 टाइम्स 4 मींस 4 का स्क्वायर रूट निकल गया 2√2, तो ए भी मुझे मिला 2√2। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं ना, इस तरह से मैंने सोल्व किया डायरेक्ट, अब तो आपको आइडिया आ गया कि कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं फॉर बीसी, फॉर बीसी फाइंड करते हैं, तो बीसी में क्या होगा, सेम बीसी इज इक्वल टू होगा अंडर रूट, मैं यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला तो राइट डाउन करना ही, यहाँ पे मैंने नहीं राइट डाउन किया, यू जस्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन एंड वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर। सो हियर एक्स टू इज बी सी है, सो एक्स टू वाई टू इज हियर सी के कोऑर्डिनेट, एक्स वन वाई वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 2 y1 0 तो 2 माइनस 0 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 2 स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर होता है प्लस 4 प्लस 4 इट इज 2 टाइम्स 4, तो 4 का स्क्वायर रूट इज 2 एंड अंडर रूट 2 2 रूट 2। So here BC is equals to we got the 2√2, BC is equals to मिल गया हमें 2√2, so two sides यहाँ पे भी equal मिल गए। Third side check करते हैं, third side कौन सी होगी, CD है ना, CD, so CD find करते हैं 4 CD, so CD चढ़नी है हमें, तो चढ़ जाते हैं CD, yeah, okay, so यहाँ पे CD में x2 minus first तो मैं यहाँ पे formula write down कर दूँ, CD is equals to होगा same under root x2 minus x1 the whole square under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. What is x2 and what is x1? So जो d के coordinate हो गए that are x2 y2 and c के coordinate जो हो गए that are x1 y1 done. So यहाँ पे होगा minus 3 minus minus 1 माइनस थ्री माइनस माइनस वन एक्स टू माइनस एक्स वन डन। थोड़ी सी राइट डाउन करने में केयर करना, इट इज माइनस थ्री माइनस माइनस वन डन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू इज जीरो माइनस टू, वाई टू इज जीरो माइनस टू द होल स्क्वायर, ओके। नाउ माइनस थ्री माइनस माइनस वन, सो माइनस थ्री प्लस वन द होल स्क्वायर, इसको आप कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे, तो ब्रैकेट करना है डन, ये सिर्फ वन का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर भी आ रहे हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, जीरो माइनस टू माइनस टू का स्क्वायर, सो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू होगा, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू का स्क्वायर इज माइनस टू का स्क्वायर, तो अगेन माइनस टू का स्क्वायर होता है प्लस फोर प्लस फोर इट इज टू टाइम्स फोर, टू फोर जो 80 होगा, सो इट इज 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2, यस। यहाँ पे आपको आइडिया आ रहा है कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी, या तो स्क्वायर या तो रोम्बस, फोर साइड्स इक्वल मिलेगी डन, यस। आंसर दिया था किसने, 0 आया था 2 आया था, जस्ट प्लीज थोड़ी केयर करो, जस्ट फास्ट सोल्व करने की नीड नहीं है, हमारा आंसर शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट फाइंड करते हैं फोर्थ साइड लास्ट वन, सो ए बी आ गया, बी सी इज बीन कवर्ड एंड सी डी आ गई एंड लास्ट वन इज ए डी, लास्ट वन इज ए डी डन। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर बी डी आएगा, यहाँ पे सिक्वेंस में गिवन है, यहाँ पे अगर आपको कोऑर्डिनेटर को एक यहाँ पे बना दू तो इस तरह से होगा ए बी सी डी, अब आपको आइडिया है डन, तो ऐसे रेंडमली नहीं बी डी मत कंसिडर कर लेना डन, बी डी होगा डायगोनल, सो ए बी बी सी सी डी देन नाउ लेट फाइंड ए डी, सो आप फाइंड करते ए डी को, सो फोर्थ साइड ए डी, फोर्थ साइड ए डी, तो यहाँ पे ए डी में वट आर दी एक्स टू एंड वाई टू एंड वट आर दी एक्स वन वाई वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला, वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर। नाउ टेल मी एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होगा, यस एक्स टू माइनस एक्स वन ए डी फाइंड करें, सो एक्स टू इज माइनस थ्री माइनस एक्स वन इज माइनस वन, सो माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस माइनस वन है डन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, सो यार वाई टू इज जीरो माइनस माइनस टू डन,
y1 is minus 2. So it is 0 minus minus 2 the whole square. इसको अच्छे से राइट डाउन करना ब्रैकेट के साथ किसी भी नेगेटिव नंबर को, या फिर स्क्वायर रूट में माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस वन द होल स्क्वायर, जीरो माइनस माइनस जीरो प्लस टू द होल स्क्वायर. इट इज माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू स्क्वायर प्लस जीरो प्लस टू टू स्क्वायर. सो अगेन सेम फोर प्लस फोर, सो इट इज टू टाइम्स फोर, सो इट इज टू रूट टू. सो चारों साइड इक्वल मिली तो अब आपके पास कौन सी पॉसिबिलिटी है, जब फोर साइड इक्वल मिले, ऑल साइड्स इक्वल हो तो या तो वो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा. तो स्क्वायर कब होगा, इफ टू डायगोनल्स इक्वल हो गए. रोम्बस कब होगा, अगर टू डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे. मींस अब हमारा टास्क क्या होगा, दोनों डायगोनल फाइंड करने का. तो यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल है एसी, क्योंकि मैंने इसको सिक्वेंस में अरेंज किया ए बी सी डी को. आपको पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उसका जो नेम होता है, अगर ए बी सी डी हो तो वो सिक्वेंस में ही राइट होगी. ए बी यहाँ पे ए बी सी डी सिक्वेंस में ही होते हैं. पी क्यू आर एस को सिक्वेंस में ही राइट डाउन करते हैं, कहीं पे भी पी क्यू आर एस रेंडमली नहीं पुट करेंगे. देन सो फर्स्ट डायगोनल ए सी एंड सेकेंड डायगोनल इज बी डी, इन दोनों को फाइंड कर लेते हैं. सो लेट्स फाइंड द डायगोनल ए सी फॉर ए सी फर्स्ट डायगोनल. तो यहाँ पे ए सी फाइंड करते हैं. सो फर्स्ट तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूँ. ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन. स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन करना है कंपलसरी, देन वरना पता कैसे चलेगा कि कहाँ से आपने वैल्यू पुट करी है. सो यहाँ पे x2 एंड x1 इज, यहाँ पे अगर देखो ac फाइंड कर लेना ac, तो x2 माइनस x1, x2 इज माइनस वन माइनस माइनस वन, सो अंडर रूट आ गया माइनस वन माइनस माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. तो y2 इज यहाँ पे ac फाइंड कर रहे हैं, माइंड में होना चाहिए कि ac फाइंड कर रहे हैं. y2 यहाँ पे होगा y कोऑर्डिनेट 2 एंड y1 यहाँ पे होगा माइनस 2, सो 2 माइनस माइनस 2, सो इट इज 2 माइनस माइनस 2 द होल स्क्वायर. देन इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर. तो माइनस वन प्लस वन तो हो गया जीरो, टू प्लस टू हो गया फोर, फोर का स्क्वायर, जो फोर का स्क्वायर होता है 16, तो 16 अंडर रूट 16 मीन्स फोर. तो मुझे ए सी की वैल्यू मिली फोर, ए सी इज इक्वल टू मिल गया फोर. इसको थोड़े से राइट में शिफ्ट करके राइट डाउन करो, सो ए सी इज इक्वल टू मिला फोर यूनिट्स. डन. नाउ लेट्स सेकेंड डायगोनल चेक करते हैं. यस स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, टू रूट टू आया था. Yes, किसका आंसर टू रूट टू आया था फ्रेंड्स. यहाँ पे देखो माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन है, एक्स टू माइनस एक्स वन, सो एक्स टू है माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, सो माइनस वन प्लस वन हो गया जीरो एंड टू प्लस टू हो गया फोर, फोर का स्क्वायर हो गया 16, है ना. तो 16 का स्क्वायर रूट मिलेगा फोर, समझ रहे हो. ओके लेट्स सी द नेक्स्ट वन, फोर सेकेंड डायगोनल. सेकेंड डायगोनल कौन सा होगा यहाँ पे, बी डी. सेकेंड डायगोनल इज बी डी, सो फोर बी डी. देन सो बी डी इज इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वेयर. ओके सो व्हाट आर एक्स टू एंड व्हाट आर एक्स वन, सो हियर बी डी फाइंड करें. सो एक्स टू इज माइनस थ्री एंड एक्स वन इज वन, सो माइनस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन. यहाँ पे बी डी फाइंड कर रहे, कीप इट इन माइंड, जीरो वाई टू एंड वाई वन इज जीरो, जीरो माइनस जीरो, सो इट इज जीरो माइनस जीरो द होल स्क्वायर. सो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर का स्क्वायर एंड प्लस जीरो माइनस जीरो जीरो, सो इट इज अंडर रूट माइनस फोर का स्क्वायर होगा 16, सो इट इज फोर. तो बी डी की वैल्यू मिली मुझे फोर. सो यस यहाँ पे चारों साइड इक्वल मिल रहे हैं, फोर साइड्स इक्वल मिल रहे हैं, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, फोर साइड्स टू रूट टू इक्वल मिल रहे हैं, दोनों डायगोनल इक्वल मिल रहा है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे ये कौन सा होगा, इट इज अ स्क्वायर, इट कॉल्ड बी वन कोऑर्डिनेट, जो चारों पॉइंट से वो स्क्वायर बनाए. सो हियर हियर ए बी
is equals to BC is equals to CD is equals to AD is equals to 2 root 2. That is, all sides are equal. That is, all sides are equal. मैंने यहाँ पे थोड़ा रिवर्स लिख दिया. All sides are equal. And AC is equals to BD is equals to 4. Means, that is, diagonals are equal. Both diagonals are equal. Then, so ऐसा जब हो चारों साइड इक्वल मिले एंड डायगोनल भी इक्वल मिले तो इसे हम कहेंगे हेंस द गिवन पॉइंट द गिवन फोर पॉइंट द गिवन फोर पॉइंट फॉर्म अ स्क्वायर फॉर्म अ स्क्वायर. इसमें किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स एवरीवन क्लियर कैसे सॉल्व करना है. हेलो स्टूडेंट्स सबको क्लियर है. ओके सो क्वेश्चन नंबर सिक्स को सेम वे में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट सॉल्व कर लिया सेम वे में इसको सॉल्व करना है सेकेंड एंड थर्ड को. तो आपको कंसेप्ट क्लियर है. अब आप बाई सेल्फ भी कर सकते हैं. आई एम डेट श्योर सेम मेथड है. अब सेकेंड सॉल्व करते हैं. सेकेंड वन में फोर पॉइंट्स अगेन गिवन है. फर्स्ट तो इसको नेम दे दे कि फोर पॉइंट्स किसके. मैं इसको जस्ट डिफरेंट पेन से राइट डाउन करता हूँ. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है ए. तो ए इज इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू ऐसा नहीं लिखना है. ए माइनस 3.5 बी इज 3.1 थर्ड पॉइंट को कह देते हैं सी 0.3 एंड फोर्थ पॉइंट इज डी -1, -4. यहाँ पे आप पी क्यू आर एस एस टी यू वी कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो. डजेंट मैटर डन. तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह से कोऑर्डिनेटर कोई भी बनेगा. हमें पता नहीं कौन सा कोऑर्डिनेटर होगा. ए बी सी डी डन. इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं बोल सकते ना. जस्ट चेक करना पड़ेगा. ऐसा अभी से नहीं कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है. यस किसी का आंसर है इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. ऐसे कैसे पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल नहीं है. फर्स्ट चारों पॉइंट है तो हम फर्स्ट चेक करेंगे. ओके सॉल्व किया है तुमने. जस्ट ओके सॉल्व करते हैं इसको डन. सो यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व करता हूँ मैं. वेरी गुड जिस अच्छे से सॉल्व कर लिया है. वेरी गुड किसने सॉल्व किया था. जस्ट तेजस. ओके वेरी गुड कीप इट अप. फर्स्ट सॉल्व करते फर्स्ट फाइंड करेंगे चारों साइड. फर्स्ट ए बी फाइंड करते ए बी. तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं फोर ए बी. मैंने डायरेक्ट लिख दिया. फर्स्ट लिखते हैं फर्स्ट साइड फाइंड कर ले. फर्स्ट साइड फाइंड कर ले. फर्स्ट साइड इज फोर ए बी. फोर ए बी तो ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो. अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वेयर. ओके सो हियर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा. अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन. तो ए बी है एक्स टू इज थ्री माइनस एक्स वन इज माइनस थ्री. सो माइनस माइनस थ्री द होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन. वाई टू इज हियर वन माइनस फाइव. तो वन माइनस फाइव द होल स्क्वेयर डन. सो नाउ थ्री माइनस माइनस थ्री प्लस थ्री द होल स्क्वेयर. वन माइनस फाइव माइनस फोर द होल स्क्वेयर. तो थ्री प्लस थ्री आ गया सिक्स. सिक्स स्क्वेयर प्लस फोर माइनस फोर का स्क्वेयर होता है सिक्सटीन. प्लस सिक्सटीन इट इज अंडर रूट सिक्स स्क्वेयर आ गया थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन डन. सो थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन होगा इट इज फिफ्टी टू. सो ए बी मुझे मिला फिफ्टी टू डन. तो ए बी की वैल्यू मिलती है मुझे अंडर रूट फिफ्टी टू नॉट जस्ट फिफ्टी टू डन. नाउ लेट्स फाइंड द सेकेंड साइड बी सी फाइंड करते हैं. सो फोर बी सी. फोर बी सी तो बी सी में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वेयर डन. सो नाउ एक्स टू माइनस एक्स वन बी सी के लिए एक्स टू है जीरो एंड एक्स वन इज थ्री. इट इज जीरो माइनस थ्री द होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन. इट मीन्स थ्री माइनस वन. वाई टू इज थ्री एंड वाई वन इज वन. इट इज थ्री माइनस वन द होल स्क्वेयर. तो आ गया जीरो माइनस थ्री. माइनस थ्री का स्क्वेयर थ्री माइनस वन टू स्क्वेयर. सो माइनस थ्री स्क्वेयर विल बी प्लस नाइन. टू स्क्वेयर विल बी फोर. नाइन प्लस फोर अंडर रूट थर्टीन. तो बी सी की वैल्यू मिली मुझे अंडर रूट थर्टीन. स्क्वेयर रूट में
13, डन ओके। नेक्स्ट फाइंड करते हैं थर्ड साइड डीसी या तो सीडी, इसको सीडी बोलू या डीसी बोलू, बोथ में सेम ही मिलेगा। तो थर्ड साइड फाइंड करते हैं सीडी, सीडी चढ़ जाते एंड टॉप पे पहुंच जाते, डन टॉप ऑफ द बिल्डिंग। फोर सीडी, सीडी में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सीडी इज इक्वल टू सेम होगा एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर, ओके अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन। सो एक्स टू माइनस एक्स वन, सो हियर सी डिफाइन करे एक्स टू इज माइनस वन माइनस जीरो, सी डिफाइन कर रहे हैं ना, सो माइनस वन एक्स टू, एक्स वन इज जीरो माइनस वन माइनस जीरो, माइनस वन माइनस जीरो द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू होगा माइनस फोर माइनस थ्री, इट इज माइनस फोर माइनस थ्री द होल स्क्वायर, डन। सो लेट्स सोल्व इट, माइनस वन का स्क्वायर इट इज माइनस वन स्क्वायर, माइनस फोर माइनस थ्री इट इज माइनस सेवन स्क्वायर, डन। क्या हो गया अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर हो गया वन प्लस सेवन स्क्वायर हो गया फोर्टी नाइन, सो इट इज अंडर रूट फिफ्टी। तो सी डी की वैल्यू मिल रही है मुझे अंडर रूट फिफ्टी, नो यहाँ पे कोई भी साइड अभी तक इक्वल नहीं मिल रही है, डन। नेक्स्ट साइड फाइंड कर लेते हैं फोर्थ साइड, फोर फोर्थ साइड कौन सी होगी ए डी, फोर्थ साइड विल बी ए डी, तो ए डी फाइंड कर लेते हैं। सो फोर ए डी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वेयर, एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वेयर, डन। व्हाट इज एक्स टू एंड व्हाट इज एक्स वन, तो कोई कह सकता है मुझे एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होगा स्टूडेंट्स? हेलो, कोई आंसर दे सकता है मुझे व्हाट इज एक्स टू माइनस एक्स वन? यहाँ पे हम ए डी फाइंड कर रहे हैं, सो ए डी में एक्स टू है माइनस वन, एक्स वन इज माइनस थ्री, सो यहाँ पे आ गया माइनस वन माइनस माइनस थ्री, ओके द होल स्क्वायर। वाई टू माइनस वाई वन, सो वाई टू है यहाँ पे माइनस फोर एंड वाई वन इज माइनस, वाई वन इज फाइव, सो वाई माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस फोर माइनस फाइव द होल स्क्वायर, जस्ट सोल्व इट। तो यहाँ पे माइनस वन प्लस थ्री द होल स्क्वायर एंड माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन द होल स्क्वायर, सो इट इज माइनस वन प्लस थ्री टू का स्क्वायर, टू स्क्वायर विल बी फोर एंड नाइन स्क्वायर विल बी एटी वन, क्या आ गया फोर प्लस एटी वन एटी फाइव। तो यहाँ पे देखो मुझे ए डी मिली अंडर रूट एटी फाइव, तो कोई भी साइड इक्वल नहीं मिल रही है, यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कोई भी या कोऑर्डिनेटर बन सकता है, हमें जो टाइप फर्स्ट मैंने टाइप दिए थे, या तो ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए या तो टू अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो कोई भी साइड इक्वल नहीं मिल रही। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन, ए बी अंडर रूट 52, बी सी अंडर रूट 13, सी डी मिल रही अंडर रूट 50 एंड ए डी मिल रही अंडर रूट 85, तो यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ कोऑर्डिनेटर, दिस थ्री पॉइंट्स कैन नॉट फॉर्म एन एनी कोऑर्डिनेटरल। फ्रेंड्स किसी को यहाँ पे डाउट, एवरीवन क्लियर, समझ में आ रहा है? मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दूँ, ओके जस्ट एक्सप्लेन मी। यहाँ पे देखो फोर साइड्स वो डिफरेंट लेंथ की, फोर साइड्स है वो डिफरेंट लेंथ की है, यस जो तेजस तुम्हारा आंसर था इट इज नॉट अ कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ पे अच्छे से समझना, इसलिए मैं पूछ रहा था, किसी को डाउट है बट किसी ने बोला नहीं क्योंकि किसी को आंसर ही नहीं पता होगा आई थिंक। यहाँ पे देखो चारों साइड डिफरेंट लेंथ की है, तो इसका मीनिंग ए नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल नहीं है, समझ रहे हो? अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूं, यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूं इस तरह से, ये हो गया मेरा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यहाँ पे भी देखो कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो भी ये क्वाड्रिलेटरल ही है, अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, यहाँ पे भी ए बी सी डी ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, यहाँ पे भी फोर साइड्स इक्वल नहीं तो डायगोनल इक्वल है, देन सो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते क्वाड्रिलेटरल नहीं है, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारे जो फोर टाइप्स है स्क्वायर रोम्बस रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम, इनमें से कोई नहीं है, देन
तो हम यहाँ पे जस्ट एक जनरल कोऑर्डिनेटर है या कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर नहीं है कि जिसका जिसकी प्रॉपर्टी हमें पता हो कि जिसकी फोर साइड इक्वल होती है, जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं, देन तो ये क्या है, हियर हम यहाँ पे लिखेंगे हियर ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल, हियर ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज जस्ट अ जनरल कोऑर्डिनेटर, इट इज जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज जस्ट अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल, दैट मींस मींस बिकॉज मींस दैट मींस इट इज नॉट द टाइप ऑफ not the type of square rectangle rhombus and parallelogram जिसकी प्रॉपर्टी हमें पता है, इनमें से कोई नहीं है, then so एक जस्ट जनरल कोऑर्डिनेटर है, हमें जिसकी प्रॉपर्टी पता है, जो फोर कोऑर्डिनेटर बेसिक कोऑर्डिनेटर होते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, इनमें से कोऑर्डिनेटर नहीं है। तो यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपको आइडिया आ गया कि कैसे किसी भी फोर पॉइंट गिवन हो उससे हम कैसे कंक्लूड करें कि ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है, हम क्या करेंगे, सेम मेथड, फोर साइड फाइंड कर लो, यस क्रिस, फोर साइड फाइंड कर लो, देन डायगोनल फाइंड कर लो, बोथ डायगोनल, यहाँ पे भी अगर आप डायगोनल फाइंड करोगे, जस्ट फाइंड करके देखना, डायगोनल भी इक्वल नहीं मिलेंगे, देन बट इट डजंट मैटर, फोर साइड इक्वल नहीं मिल रहे, डायगोनल को फाइंड करके क्या फायदा, देन सो जस्ट आपको फोर साइड फाइंड करनी है, देन डायगोनल फाइंड करो, यहाँ पे आ जाओ, अगर फोर साइड इक्वल है, टू डायगोनल भी इक्वल है, स्क्वेयर फोर साइड इक्वल, टू डायगोनल इक्वल नहीं, रोम बस टू अपोजिट साइड इक्वल, मीन्स कोई भी टू साइड इक्वल है, फोर साइड गिवन में से जो हमने फाइंड की उनमें से सिर्फ कोई टू टू साइड इक्वल है, देन टू पॉसिबिलिटी आएगी, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, अगर हम डायगोनल फाइंड करें, अगर दोनों डायगोनल इक्वल मिले देन इट इज रेक्टेंगल, एंड दोनों डायगोनल इक्वल नहीं मिले देन इट इज अ पैरेललोग्राम, इस तरह से हम कोई भी फोर पॉइंट्स में से कोई भी कोऑर्डिनेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन सो यहां तक रखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स जो था उसमें वन एंड टू कर लिए, थ्री अब आप बाय सेल्फ करने की ट्राई करना, इक्वल मुझे आंसर देना कि सर इसका आंसर ए आर आई या कोऑर्डिनेटर है, कौन सा कोऑर्डिनेटर है, देन तो मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ, आपके आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सोल्व करके आओगे, अब आपको आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप बाय सेल्फ सोल्व करोगे, तो यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके सो स्टूडेंट्स थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से बढ़िया रहे, अपनी केयर करें, कि सिचुएशन थोड़ी सी हमारे लिए वर्स्ट हो जा रही है, तो अपना बहुत ही अच्छे से केयर करना, बहुत बार के ऐसे घूमने फिरने वहीं मत जाया करो, जस्ट घर पे देखो, स्टडी करो, स्टडी पे फोकस करो, अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहो, सो आई थिंक कि आपको इस लेक्चर में मजा आया, तो यहाँ पे एंड करते हैं, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर।